गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं आप सबको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। मैं एक बार फिर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो ये जो वीडियो है ये गांव के इलाके की, और कुछ लोग जो शहर के नज़दीक जो गांव में रहते हैं उनके आज कामकाज के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो क्या काम करते हैं जिसकी वजह से वो खुशहाल हैं, और गांव में और सहराओं में रहने वाले लोग क्या काम करते हैं जिसकी वजह से उनके हालात अभी तक नहीं बदल रहे। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बड़ी दिलचस्प वीडियो है, मेरे साथ रहें और आपको बताते हैं कि ये क्या काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो की शुरुआत मैं अपने ही घर, अपने बड़े भाई के घर से करना चाहता हूँ जो कुछ बना रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि पहले तो ये अपना नाम बताएं। हेलो बड़े भाई जी। जी क्या नाम है आपका? आपका नाम अमलक जी। अमलक जी, ये मेरे बड़े भाई हैं, तो ये कुछ बना रहे हैं। इनसे पूछते हैं क्या बना रहे हैं आप? ये पिंजरा। पिंजरा बना रहे हैं? किस लिए बना रहे हैं ये पिंजरा? ये पिंजरा ये बकरियों के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जब ये बकरियां देती हैं तो उस वक्त ये उनके लिए ये बना रहे हैं कि ये उनको रखेंगे। उसके अंदर मुर्गियां वगैरह भी रख सकते हैं। हाँ, तो ये सारा कुछ जो है इस पिंजरे के अंदर डालेंगे। वो पिंजरा किस तरह का होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे कि ये पिंजरा किस तरह से बनाएंगे। पिंजरा गोल होगा। पिंजरा गोल होगा? हाँ। अच्छा, सही है, पिंजरा गोल होगा, और देखते हैं किस तरह का गोल होता है वो भी दिखाते हैं। तो ये भाई के जानवर हैं, और साथ में ये मुर्गियां भी आपको दिखाई दे रही होंगी। मुर्गियां भी हैं, ये बकरियां भी। तो ये भाई का घर है, लकड़ियां भी रखी हुई हैं, काफ़ी दूर से लाए हैं, ये डिज़र्ट का एरिया से ये इकट्ठी करके लाते हैं। और ये लकड़ियां जो आपको दिखाई दे रही हैं ये लीमू की लकड़ियां हैं। और ये वो पिंजरा है जिसके लिए भाई मेहनत कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, जिसको कह रहे थे कि भाई ये गोल है, देखें बिल्कुल गोल है। तो ये ऊपर से टूट गया है, इसी तरह टाइप का पिंजरा होगा जो भाई बना रहे हैं। जब ये भाई दोबारा बनाएंगे तो उसकी जो है ना पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भाई बना रहा है, कैसा बनाया है। तो ये इस तरह का होता है, इसको ऊपर उठाएँ, ये इस तरह ऊपर उठाएँगे ये, तो फिर उसके नीचे जो छोटे छोटे बच्चे होंगे बकरियों के वो, या बर्तन वगैरह या मुर्गियाँ रख। तो दोस्तों, ये था मेरा अपना घर साथ में भाई का, और ये बच्चे जो हैं इसमें तीन मेरी बेटियां हैं और दो भांजियां हैं। ये बड़ी खुशी से खेल रही हैं, खुश हो रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त लाइफ होती है। तो गांव के बच्चे, क्योंकि और तो इस यहाँ पर खेल कोई एक्टिविटी है नहीं, लेकिन इस तरह के खेल जो हैं वो खेलना पसंद करते हैं और बड़े खुश होते हैं। तो ये लोगों का ज़रिया है, मुआश है, कमाने का तरीका। जो सहराओं में रहते हैं लोग भेड़ बकरियां चराते हैं, और साथ में मुर्गियां भी पाली जाती हैं। ये आप देख सकते हैं वीडियो में कि मुर्गियाँ भी पाली जा रही हैं, और साथ में ये जानवर भी हैं, ये भेड़े हैं, साथ में बकरियां भी। तो जानवर पालने का जो काम है वो सहरा में रहने वाले लोग ज़्यादा करते हैं और इनको चराते हैं। तो एक तो काम ये हो गया इनका कि ये भेड़ बकरियां चराते हैं, जानवर चराते हैं, और साथ में दूसरे काम भी हैं जिसमें लीमू के बाग हैं साथ में, वो भी दिखाए थे आपको कि लोग जो है वो काम करते हैं। मवेशियों का काम जो है वो ज़्यादा करते हैं, जानवर पालना इनका मुश्किल है, और ज़्यादातर लोग जानवर पाल कर बेचते हैं। और इसके साथ एक और काम भी है, ये बच्चे बड़े खुश हैं गांव के। ये हरियाली, इसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था, जो आज मेरा मकसद था वीडियो बनाने का, कि ये जो हरियाली, हरे भरे खेत, दुकानें और खूबसूरत फसल खेत, और ये खूबसूरती रंगीनियाँ हर तरफ, सर सब्ज़ शादाब, लहलहाते खेत, तो ये बड़ा खूबसूरत मंज़र जो नज़र आ रहा है ये बताता है कि यहाँ पर लोग कितने खुशहाल होंगे। क्योंकि ये बेशक गांव का इलाका है, लेकिन ये साथ साथ ये शहर के साथ है, जो सादिकाबाद सिटी है उसके साथ ये ज़मीनें हैं जहाँ पर लोग खेती बाड़ी करते हैं,
तो मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ, जो सहराओं में अपने बहन भाई रहते हैं, जो भाई काम करते हैं, मशक्क़त से काम करते हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि काम ही करना है तो क्यों ना आप डेजर्ट से निकल कर यहाँ पर रजू लाएँ, ताकि आप भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। ये बड़ा खूबसूरत मंज़र बीच में आ जाता है जब हम सादकाबाद से रहमयार खान की तरफ जा रहे थे, तो ये पेट्रोलिंग पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है ये। तो ये इसके साथ जो ज़मीनें हैं, क्योंकि यहाँ पर नहरी पानी भी बहुत तादाद में है, क्योंकि जहाँ पर शहरों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पानी बहुत कम मिलता है, जानवरों के पीने के लिए भी पानी बड़ा मुश्किल से होता है, अगर बारिशें ना हों तो फिर जानवर जो है वो प्यास से ही मर जाते हैं। तो इतनी कठिन ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि आप जो शहरों के साथ नहरें हैं, जहाँ पर पानी वाफर मकदार में है, जहाँ पर फसलें अच्छी होती हैं, तो वहाँ शिफ्ट हो जाएं। वैसे ही शिफ्ट होते रहते हैं, अगर बारिश ना हो तो फिर अपने माल जानवर वगैरह लेकर सामान लेकर निकल पड़ते हैं। तो आप ऐसी जगह जो है वो शिफ्ट हों जहाँ पर इस तरह का निज़ाम हो, नहरी पानी का निज़ाम बहुत अच्छा हो, और ज़रूरियात ज़िंदगी आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे शहर भी नज़दीक होते हैं। तो शहरों की निस्बत आप जितना सिटी के नज़दीक होंगे आप उतना अच्छा कमा सकते हैं, अपने बच्चों को फ्यूचर दे सकते हैं। तो बरा मेहरबानी आप जो हैं शायद शहरों से निकलकर शहर की तरफ आएँ, ताकि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उनकी अच्छी तरबियत कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।